नेता राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत, आमदार की गाड़ी की तोड़फोड़। एक कार्यक्रम में शिवसेना और राष्ट्रवादियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत की घटना सामने आई है। दोनों कार्यकर्ताओं के बीच जमकर भिड़ंत मच गई। इस भिड़ंत में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार संदीप नाईक के रेंज रोवर गाड़ी की जमकर तोड़फोड़ कर दी है। यह समझा जा रहा है कि काम का श्रेय लेने से यह विवाद का मामला हुआ है। एरोली यहां नगरपालिका हॉल के भवन का निर्माण किया गया था। आज इस हॉल का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का श्रेय लेने के लिए राष्ट्रवादी और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हड़कंप मच गया। इसके चलते आमदार संदीप नाईक की गाड़ी की तोड़फोड़ की गई। इस झड़प के बाद राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई के एरोली, कोपरखाने, दीघा, घनसोली इस जगह को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।